सलमान खान की मूवी राधे और मोस्ट वांटेड भाई रिलीज हो चुकी है। दर्शकों द्वारा इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा, बिग बॉस सीजन 14 में सलमान खान ने बताया था कि वो अपनी कौन कौन सी मूवी पे काम करने वाले हैं, जिसमें से उनकी मूवी पठान भी शामिल थी, टाइगर 3 भी शामिल थी और कभी ईद और कभी दिवाली भी शामिल थी। बात करें राधे और मोस्ट वांटेड भाई की, तो इस मूवी को इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म G-Plex पे रिलीज किया गया था, तो वहीं इंडिया से बाहर सिनेमा घरों में, तो वहीं इस मूवी ने मात्र 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड 242 करोड़ की कमाई भी कर ली है। अब बारी है सलमान खान की मूवी टाइगर 3 की, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं मनीष शर्मा, जहां इस मूवी में सलमान के साथ कैटरीना कैफ दिखाई देंगी। पर इस बार विलन के रूप में हमें दिखाई देने वाले हैं इमरान हाशमी। ऐसा पहली बार होगा जब सलमान और इमरान ने एक साथ स्क्रीन शेयर किया हो। तो वहीं अब राधे और मोस्ट वांटेड भाई के रिलीज होने के बाद देखना होगा कि सलमान खान की मूवी टाइगर 3 पर कब वापसी लेते हैं, जिस तरह की हालत इंडिया में बनी हुई है। तो ऐसे में सलमान खान की मूवी टाइगर 3 को इंडिया में शूट करना पॉसिबल तो नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी खबर आ रही है कि अब टाइगर 3 के लिए इंडिया से बाहर जाना होगा और वहां पे शूट करना होगा, क्योंकि इंडिया की हालत काफी खराब है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे चटपटे गॉसिप न्यूज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए हमारे चैनल गॉसिप वालों को सब्सक्राइब भी कर लें।